तो मोल्ड रिमूवल का कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अंकित, और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सा कह सकते हैं कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है आपके लिए मोल्ड रिमूवल का, अगर आप मोल्ड रिमूवल के बारे में सोच रहे हैं तो। काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर आई वॉन्ट द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर माई मोल्ड रिमूवल, ओके, या फिर मेरे को सोशल मीडिया पर काफ़ी मैसेज आते हैं कि डॉक्टर कैन यू टेल मी द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द मोल्ड रिमूवल, ओके, या फिर ऐसा कौन सा मेथड रहेगा मेरे लिए कि जिसमें कि स्कारिंग जीरो हो जाए या मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मोल्ड रिमूवल के बारे में काफ़ी वीडियोज बनाए है जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं सारे लिंक्स, उनको जरूर देखना, तो काफी चीजें वहां से आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए मोल्स कह सकते हैं कि अलग अलग तरह का सेल्स होती है, अलग अलग तरह का कह सकते हैं कि वो उसकी डेप्थ होती है, साइज होता है, साइट होती है अलग अलग तरह की। तो बेस्ट ट्रीटमेंट अगर बात करें, देखिए दो मेथड्स होते हैं मेनली, एक होता है लेजर का मेथड, लेजर रिमूवल होता है, सेकंड होता है हम कह सकते हैं कि हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं उस एरिया के ऊपर, ठीक है। तो दोनों मेथड्स में कौन सा अच्छा रहेगा वो डिपेंड करता है कि हमारा मोल कितना बड़ा है, किस साइट के ऊपर है, थर्ड ये कि देखते हैं कि हमारे स्किन के ऊपर सपोर्ट कितना आ रहा है, ठीक है, एंड फोर्थ ये भी देखा जाता है कि डॉक्टर की क्या एक्सपर्टीज़ है, फिफ्थ फिर आपकी बात भी थोड़ी एड होती है कि डॉक्टर मुझे इससे करना है उससे करना है। अगर सुपरफिशियल कोई भी मोल होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका मोल रिमूवल है वो कह सकते हैं कि लेजर से हो जाए। डेफ्थ वाला होता है जहाँ लगता है थोड़ा डेफ्थ में, तो डेफिनेटली सर्जिकल पार्ट रहेगा, लेकिन इस तरह से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बेस्ट कह सकते हैं कि वी आर जस्ट रीचिंग क्लोज टू द बेस्ट, लेकिन बेस्ट वही होगा जिसमें दो चीज़ें होती है, फर्स्ट कंप्लीट रिमूवल होना चाहिए, सेकंड स्कार जीरो होना चाहिए। देखिए कोई सा भी अगर बात करें तो दोनों से स्कार जीरो नहीं हो सकता, स्कार मिनिमल हो सकता है, स्कार ज़्यादा ओवर फेड हो सकता है समय के साथ में, लेकिन स्कार हम सोचते हैं कि बिल्कुल जीरो हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल स्किन होती है हमारी उससे हम मैच करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो स्कार है शुड बी लाइक स्कारलेस कोई सर्जरी, स्कारलेस सर्जरी या फिर स्कारलेस रिमूवल कुछ नहीं होता है। तो ये हो सकता है कि ठीक है डॉक्टर आपको इन बातों पे देखे, आपकी हर चीज़ को पैरामीटर को देखे, साइट कौन सी है आपका, मोल का साइज क्या है, डेफ्थ क्या है साइट, एंड स्किन कह सकते हैं कि कौन सी मोटी स्किन है या पतली स्किन है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कह सकते हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती है, उसको भी हमें थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आगे से आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर आई वांट टू रिमूव दिस मोल, डू द बेस्ट फ्रॉम योर साइड, एंड यस थोड़ा सा स्कार वाला पार्ट है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ता है, बिकॉज ये जो नॉर्मल स्किन होती है और ये जो स्कार स्किन होती है थोड़ी अलग अलग होती है, इनका जो कोलेजन फॉर्मुलेशन होता है ना बिल्कुल अलग अलग होता है, तो स्कार वाली स्किन हल्के से आपको टफ दिखेगी, मोटी दिखेगी, एंड ऑब्वियसली थोड़ी सी शाइनी भी होगी उस एरिया के ऊपर, लेकिन हाँ समय के साथ में आपका जो भी स्कार होता है वो समय के साथ फेड हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी बेस्ट ट्रीटमेंट ऐसे आप नहीं हो सकता, कैन से दैट वी आर जस्ट क्लोज टू द बेस्ट, राइट, थैंक यू।